दारियाँ मस्ती देखने वाले सारे भाई हैं ना, वासुदेव सिंधु लकी राम राम। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने हरियाणवी चैनल दी हरियाणी मस्ती में। दोस्तों, आप जो मशीन आपके सामने देख रहे हो इसकी कीमत है 1.5 करोड़। अब आप सोचेंगे इसमें 1.5 करोड़ का ऐसा ऐ के है, ऐ के है यू सौदा और यू काम के कराए। आपके मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो इन सब का जवाब अपना आपके अपने चैनल में मिलेगा। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, इस वीडियो में आपके सारे सवाल का जवाब देंगे। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, फुल एंटरटेनमेंट किया जाएगा आपका इस वीडियो में। तो चलो भाइयों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मशीन है गन्ना काटने की मशीन, और ये गन्ना काटती है, फिर उसको साफ कर कर लोड करती है। मतलब कि एक अकेली मशीन सारा काम करती है। देखो, आपने ये सब विदेशों में देखा होगा, और अब हम आपको हरियाणा में दिखाएंगे कि कैसे ये मशीन काम कर रही है, कैसे काटती है। इसका एक ये है ट्रॉली साथ में, ठीक है, और ये वो मशीन है, इसमें एक ट्रॉली हो रहा है इसके साथ, और ये इस काट कर साथ में ट्रॉली में लोड करती है और फिर बड़े ट्राले में लोड करती है। देखो, ये सारे किले इस मशीन ने 3-4 दिन में काट दिए। मतलब कि ये एक दिन में लगभग लगभग 3 एकड़ यानी कि 3 किले काटती है, ठीक है भाइयों। और फिलहाल तो इसका मेंटेनेंस का थोड़ा चल रहा है, क्योंकि रात को बंद की थी ये मशीन, और अब इसको मतलब कि साफ़ सफाई कर कर सुबह चलाया जाएगा। अब कुछ ही देर में चल जाएगी आपकी, उस पर दिखाएंगे आपको कैसे गन्ना काटती है और कैसे लोड करती है और कैसे ये काम करती है। वीडियो में आखिरी तक बने रहना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम बताएंगे आपको मतलब ये मशीन कहाँ से आई है, और हरियाणा में कितनी मशीनें हैं, देश में कितनी मशीनें हैं, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगी। देखो भाई, पहले तो ये मतलब कि थोड़ा साफ़ सफाई का चल रहा है, तब तक साफ़ सफाई चल रही है इसकी, तो मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। ये मशीन है जो कि गुजरात से आई है, ये मशीन और साथ में ट्रॉली वगैरह सारा कुछ इसका जो सुंदा है वो कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ में तैयार हुआ है। और ये हरियाणा के सुंदोला गांव में चल रही है मशीन, और जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और सुंदोला में एक नहीं दो दो मशीनें हैं जो काम कर रही हैं गन्ना कटाई का। तो दोस्तों, ये गुजरात से मंगाई गई है मशीन, और हरियाणा में ये 3 मशीनें हैं जो कि काम कर रही हैं, और 2 मशीनें तो गांव सुंदोला में ही हैं, और एक मशीन कैथल में चल रही है भाई। तो देखो भाई, मतलब कि कैसे बना रखी है मशीन, क्या काम करती है, अभी आपको पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह काम करें। देखो, पहले ये थोड़ा सा इसका साफ़ सफाई का चल रहा है, जब तक साफ़ सफाई चलती है हम आपको इसकी बेसिक नॉलेज दे देते हैं अभी कैसे मशीन आई है हरियाणा में, ठीक है। और बात करें ये पंजाब की, पंजाब में ये 6 मशीनें हैं जो काम कर रही हैं। और फिर और बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में ये 600 मशीनें हैं जो मतलब कि गन्ना काटने का काम करती हैं। और जिस किसी भी भाई को देखने की इच्छा हो कि ये मशीन काम क्या करती है, कैसे गन्ना काटती है, तो आकर गांव सुंदोला में देख सकते हैं भाई। देखो, ये साथ में ये ट्रैक्टर है, एक तो ये खड़ा मशीन, ये मशीन खड़ी है, और साइड में एक ये इसका ट्रॉली खड़ी है, और एक उधर से आ रही है ट्रॉली। देखो, ये आगे ट्रॉली, ये भी मतलब कि साथ में है, जो साथ साथ मशीन की चलती है। दोस्तों, ये अकेली मशीन 95 लाख की है, और साथ में इसके 2 ट्रॉली और 2 ट्रैक्टर हैं, जो कि मतलब कुल मिलाकर सारा धंधा 1.5 करोड़ में है। बस कुछ ही मिनटों में ये मशीन चलने के लिए तैयार हो गई है। देखना भाई, अपना साथ में बने रहो हमारे साथ वीडियो में,
तो देखो कैसे काम करती है। जो देखो भाई ये बिल्कुल जड़ से गन्ना उठाती है और उसको काटती है और फिर साथ के साथ ट्रॉली में भी लोड करती है। देश में जो सब मशीनीकरण हो रहा है उसका प्रभाव भी है, जो आज जमींदार का काम इतना आसान हो गया है। देखो कोई गिर रहा है गन्ना या खड़ा गन्ना है, तो कैसा भी गन्ना है उसको जड़ से उखाड़ कर कटिंग करके और मशीन में कटिंग करके ट्रॉली में लोड कर देती है। देखो और साथ में ये बंदा, मतलब कोई एक बंदा साथ में रहता है जो अगर कोई गन्ना रह भी जाता है तो उसको उठाकर डाल देता है। देखो ये साथ में बराबर में इनके एक ट्रॉली और ट्रैक्टर चलता है जो जिसमें गन्ना डालती है। ठीक है, चाहे कितना भी गन्ना गिर रहा है या कैसे भी उल्टा पलटा पड़ा है, सारा उठा के गन्ना सीधा कटिंग करके ये ट्रॉली में गिर देती है। ठीक है भाई, तो दोस्तों पीछे है देखेंगे तो ये सारी पत्ती है जो गन्ने की कटिंग करने के बाद पत्ती भी पीछे फेंक देती है और गन्ना ट्रॉली के अंदर। अभी भाई वो मतलब वीडियो में पूरा बना रहना, ये तो छोटी ट्रॉली है और ये बड़ी ट्रॉली में कैसे लोड करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। चलो तो अब सीधा बड़ी ट्रॉली में जाते हैं वो कैसे गिरती है। इतनी सफाई से काम कर रही है मशीन ये, गन्ना एक ही गन्ना उठा रही है और कटिंग करके सीधा ट्रॉली में, जो इसकी स्पेशल बनावा ये ट्रॉली है उसमें डाल रही है। देखो भाई ये छोटे ट्राली जो लिफ्ट के साथ उठ रही है और बड़ी ट्राली में कैसे ट्रांसफ़र कर रही है अपना गन्ना, तो देखो ये लिफ्ट के ज़रिए ऊपर उठकर और फिर इसको बड़ी ट्राली में लोड कर दिया जाता है ऐसे।
तो देखा दोस्तों आज अपना देश कितना तरक्की कर रहा है, खासकर हरियाणा जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।